जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में रूल्स क्या हैं, इसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स, गाइडलाइंस, अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप एक नए व्हीकल को परचेज करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आप रजिस्ट्रेशन खुद से करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको इस पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप खुद से करवा सकते हैं। और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने नई गाड़ी को हाल ही में परचेज किया है या करना चाहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू में ही आप लोग लाइक कर दें, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं बीच में वीडियो में, या फिर लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप अभी लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके इस वीडियो को देखिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आइए आपको जानकारी देते हैं। अगर आप एक दो पहिया वाहन, मोटरसाइकिल है या चार पहिया, फोर व्हीलर, कोई भी गाड़ी आप परचेज करते हैं तो उसका पंजीकरण करवाना होता है, आपको पता होता है। और भारत में बिना गाड़ी का पंजीकरण करवाए अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इलीगल है, गैरकानूनी है, इसके ऊपर पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त कर ली जाती है और भारी भरकम जुर्माना चालान भी लगाया जाता है, पेनल्टी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर देखिए अंत तक ध्यान से। तो सबसे पहले आप मैं गाइडलाइंस बता देता हूँ, जो अप्लाई गाइडलाइंस हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं इंडिया में, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 39 के तहत RTO में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सेक्शन 39 पंजीकरण के संबंध में है, तो वहाँ पर ये प्रेस्क्राइब्ड है सारे रूल्स रेगुलेशन, तो सेक्शन 39 के तहत ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ध्यान से सुनिए। अब रजिस्ट्रेशन उसी स्थान एवं RTO से कराएं जहां पर आप परमानेंटली निवास करते हो, परमानेंटली आप रहते हो, बेहतर होता है वहीं से, तो आप जहां परमानेंटली रहते हो वहीं से पंजीकरण करवाएं आप। तो नई गाड़ी ख़रीदने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करवाना होता है, चाहे वो आपके डीलर के माध्यम से हो या खुद के माध्यम से हो, सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। 7 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाएंगे तो पेनल्टी लगेगा, जुर्माना जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें फोर्थ गाइडलाइंस यह है कि अगर आप गाड़ी किसी और डिस्ट्रिक्ट से या अदर राज्यों से ख़रीदे हैं और कहीं और दूसरी जगह पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जो फीस है वो 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की मैक्सिमम जो डेज कैपेसिटी होती है, वैलिडिटी होती है, वो 30 डेज होती है। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा कर आप किसी और राज्य में गाड़ी पंजीकरण करवा सकते हैं, उसकी अवधि 30 दिन की होती है, 30 दिनों के अंदर ही नया पंजीकरण हो जाना चाहिए। ये हो गई गाइडलाइंस नई गाड़ी पंजीकरण करवाने की, चाहे वो दो पहिया हो, चार पहिया हो। अब टू व्हीलर, फोर व्हीलर अगर आप गाड़ी पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म 20, जो कि होता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसी फॉर्म में आपका आवेदन देना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्म 21, जो कि होता है सेल्स सर्टिफिकेट, और ये आपको वहाँ पर डीलर देता है। फॉर्म 22, जो कि रोड वर्दी सर्टिफिकेट, जो कि आपका RWC जो कि होता है, ये भी आपका डीलर ही देता, आपको प्रोवाइड कराता है। वैलिड इंश्योरेंस पेपर, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपके पास आधार कार्ड बेहतर होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड दे सकते हैं, या और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर ID है, पासपोर्ट है, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपने किसी और राज्यों से गाड़ी को परचेज किया है या और अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप दूसरी जगह पंजीकृत करना चाहते हैं तो आपका ये लगता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है इनवाइस, जो कि डीलर देता है, 2 फोटोग्राफ्स लगेगा, चेचिस और इंजन का पेंसिल प्रिंट भी होना चाहिए वाइट पेपर पर, और रजिस्ट्रेशन फीस रिसिप्ट, जो कि आपका पहले ही आपको मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, वो भी आपको रिसिप्ट भी देनी पड़ती है, और टैक्स पे रिसिप्ट, जिसमें रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स और वन टाइम टैक्स, ये तीनों टैक्स की रिसिप्ट भी लगती है, तब आपका गाड़ी पंजीकरण होता है। ये सारे दस्तावेज आपको RTO में सबमिट करने पड़ेंगे। अब फीस रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कितनी फीस लगती है वो बता देता हूँ। तो दो पहिया है उसको पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो 300 रुपये की ऑफिशियल फीस है फिलहाल इंडिया में अभी। फोर व्हीलर है उसका पंजीकरण करवाने के लिए 600 रुपये फीस है, ये न्यूली रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। और अगर कमर्शियल व्हीकल्स है तो 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये, और HSRP उसमें 600 रुपये से लेकर 900 रुपये अलग से जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गए फीस स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं आप। अब ये फीस घट बढ़ भी सकती है, फिलहाल अभी के टाइम पर ये फीस यही है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फीस बढ़ भी सकती है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पर, वहाँ पर भी आप जाकर
पता कर सकते हैं, बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे बेस्ट रहता है डीलर के माध्यम से अप्लाई करवाएं, सबसे बेस्ट रहेगा। उनको आप सारी ये जो मैंने दस्तावेज बताए आपको, ये दस्तावेज ले जाकर सबमिट कर दें और अब अपनी आंखों के सामने डीलर के ही यहां से आप ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए आरटीओ में। अगर आप ये नहीं चाहते हैं और वहां पर आपको लगता है कि आपसे टैक्स वगैरह ज़्यादा वसूला जा रहा है, तो आप ये सारे कामकाज खुद से भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में आप आरटीओ में विजिट करके सारे दस्तावेज आप जाकर वहाँ पर खुद से सबमिट करिए, सब कुछ आप अपने से कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करके आरटीओ में जाकर सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन। www.parivahan.gov.in पर जाइएगा, वाहन पोर्टल पर जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आप फिलअप करके आवेदन दे सकते हैं। बट बेहतर होता है कि डीलर के माध्यम से आप करवा लें खुद, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा रस होता है तो आप उसके चक्करों में ना पड़ें। ये मेरी सलाह है, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपके ऊपर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, यानी कि बहुत सारे लोग काफ़ी क्वेश्चन के संबंध में पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या रजिस्ट्रेशन के समय अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ता है आरटीओ में कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, गाड़ी को ले जाना अनिवार्य है, ठीक। आरसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्य होती है? नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी पंजीकरण करवाएंगे, तेलंगाना में करवाएंगे तो वो कश्मीर में मान्य है, कश्मीर का रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए सब जगह मान्य है, यूपी का, बिहार में, बिहार का यूपी में, महाराष्ट्र का यूपी में, बंगाल का राजस्थान में, राजस्थान का छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का राजस्थान में, कहीं पर भी आप जाइए आरसी ऑल ओवर इंडिया मान्य है, ठीक। आप आरसी की वैलिडिटी CMVR सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल 1989 के तहत रूल 41 के तहत 15 साल होगी। जो पहले रजिस्ट्रेशन इनिशियल स्टेज में रजिस्ट्रेशन आप जो करवा रहे हैं, इसकी वैधता पेट्रोल गाड़ी है तो उसकी वैधता 15 साल रहेगी, डीजल गाड़ी है तो भी 15 साल रहेगी। बट डीजल के केस में होता क्या है कि उसका फिटनेस वगैरह आपको 8 सालों के बाद में करवाना अनिवार्य हो जाता है हर साल, तो 15 साल तक रजिस्ट्रेशन मान्य होता है। उसके बाद का भी फिलहाल इंडिया में कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि नया नियम आने वाला है 1 अप्रैल से। तो ये है नया नियम दो पहिया चार पहिया गाड़ी के पंजीकरण करवाने का नया। तो आपको जानकारी कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो भी आप नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली @tinkalarokji इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जाकर क्वेश्चन पूछिए। तो यहाँ तक वीडियो देखा, अभी लग नहीं किया तो लाइक करिए भाई, क्या करते हैं आप लोग, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।